आज मैं आपको मंजरी पुस्तक में दिया है श्लोक, इसको आज पढ़ेंगे और इसका अर्थ बताएंगे। आप इसमें से शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, शब्दों के अर्थ आपको मालूम रहेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे प्रज्ञा बुद्धि धृति धैर्य प्रत्यह विश्वास शील सदाचार अच्छा स्वभाव साकम साथ सुधि विद्वान व्यसनम किसी बात या कार्य का शौक या विपत्ति त्रिलोकी तिलक यानी श्रेष्ठ यानी तीनों लोकों में जो अलंकार स्वरूप है अमेध्यात यानी अपवित्र स्थान। आप प्रश्न उत्तर पहले कर शब्दार्थ कर लीजिएगा। मैं आज आपको इस पाठ को दो भागों में पढ़ाऊंगी। आज हम चार तक आपको चतुर्थ प्रथमा तक पढ़ाएंगे, प्रथमा से लेकर और पंचमी षष्ठी सप्तमी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं श्लोक। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो घृतिर्बलम गौरवम प्रत्ययः से स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। कुलम यानी कुल, शीलम मतलब शील, सत्यम सत्य, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, तेजो तेज, घृतिर्बलम धैर्य बल, गौरवम प्रत्यय गौरव, स्नेह दारिद्र्येण मतलब दरिद्रता, विनश्यति नष्ट होता है। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो घृतिर्बलम गौरवम प्रत्ययः स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। यानी कुल शील सत्य बुद्धि तेज धैर्य बल गौरव विश्वास स्नेह ये सभी दरिद्रता से नष्ट होते हैं। यानी ये सभी चीज़ दरिद्रता से नष्ट हो जाता है। फिर से कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजोर घृतिर्बलम गौरवम प्रत्ययः स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यते। कुल शील सत्य बुद्धि तेज धैर्य बल गौरव विश्वास स्नेह सब दरिद्रता से नष्ट होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, गुणो भूष्यते, भूष्यते मीन्स शोभायमान होते हैं, शोभित होते हैं। गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम, गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर्भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। इसका अर्थ है गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की विद्या की शोभा होती है और भोगों से धन की शोभा होती है। पता चला लक्ष्मी तो आपके पास भरपूर हैं और काफ़ी धन दौलत है और आप जो है दरिद्रता का जीवन बिता रहे हैं तो ये अनुचित है। गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। गुणों से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है। अगर आपके अंदर शील है धैर्य है शालीनता है तो इससे आपके कुल आपके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी सब आपके शोभायमान होते हैं। और आप बहुत सुंदर हैं और आपके अंदर गुण नहीं है तो किसी काम का रूप नहीं। इसलिए गुणवान, गुण से ही व्यक्ति के रूप की शोभा होती है,
शील से उसके कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोगों से भोग करने से धन की शोभा होती है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। मृगाः मृगैः साकं नु व्रजयन्ति गावश्च, गावश्च मतलब बच्चों गाय, गोभिस्तु रगास्तु रंगे मूर्खाश्च मूर्खैः सुविधयः सुधीभिः समानशीलं व्यसनेषु सख्यम्। मृगाः मतलब मृग हिरण, फिर से मृगाः मृगैः साकं नु व्रजन्ति गावश्च शोभिस्तुर् गास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभि समानशीलं व्यसनेषु सख्यम्। मेल होता है कार्यों में, समान गुण से मेल होता है। मृगाः मृगैः साकं नु व्रजन्ति मतलब हिरण के बच्चे हिरणों के पीछे चलते हैं। गावश्च शोभितुर् गास्तुरङ्गैः और गाय के बच्चे गाय के पीछे, तुरंग मीन्स घोड़ा और घोड़े के बच्चे घोड़ों के पीछे। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः मूर्खों के पीछे मूर्ख के पीछे मूर्खों के बच्चे और बुद्धिमान यानि विद्वानों के पीछे विद्वान के चलते हैं। इसे समानशील व्यसने सुसख्यम कार्यों से समान गुण में, समान गुण से मेल होता है। फिर से बच्चों, मृगाः मृगैः साकं नु व्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरं गास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलो व्यसनेषु सख्यम् कार्यों में समान गुण से मेल होता है। हिरण के पीछे हिरणों के बच्चे चलते हैं और गाय के पीछे गायों के, घोड़ों के पीछे घोड़ों के बच्चे, मूर्ख के पीछे मूर्खों के बच्चे और बुद्धिमान यानि विद्वान के पीछे विद्वानों के चलते हैं। लास्ट है, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचांसि यस्य वद्यन्त्री लोकी तिलकः स एव। यानी दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए चिंत और विद्या अच्छे कार्यों के लिए चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय और जिसकी चिंता पर ब्रह्म के चिंतन के लिए परोपकाराय वचास्यस्व और जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है, वद्यत्री लोकी तिलकः स एव। वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय श्रेष्ठ होता है। फिर से बच्चों, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए और जिसकी विद्या अच्छे कार्यों के लिए चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय, जिसकी चिंता पर ब्रह्म के चिंतन के लिए परोपकाराय वचास्यस्य और जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है, वद्य स्त्रीलोकी तिलकः स एव। वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय होता है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और तीन श्लोकों का अर्थ बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इन जो चार श्लोक का अर्थ मैंने बताया है, इसका अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा और जहाँ न समझ में आए
आप पूछ लीजिएगा, लास्ट में इसका अर्थ भी मैं आपको भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।